गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मनीषा, मैं मैथ टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास सेकंड। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 9.4। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ ए ट्रक इज कैरिड 370 kg ऑफ व्हीट एंड 350 kg ऑफ राइट्स। स्टूडेंट्स, एक ट्रक 370 kg व्हीट में होते हैं गेहूँ, गेहूँ लेकर आता है, एंड 350 kg राइस में होता है चावल, चावल लेकर आता है। नाउ फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेट कैरिड बाय द ट्रक। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेट जो ट्रक के द्वारा लाया जाता है, मीन्स ट्रक टोटल कितना वेट लेके आता है, ये हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स, अवर स्टेटमेंट इज वेट ऑफ व्हीट, व्हीट का वेट क्या है 370 kg। नाउ वेट ऑफ राइस, राइस का वेट क्या है 350 kg। नाउ टोटल वेट, स्टूडेंट टोटल पूछा है तो क्या करेंगे ऐड। पहले आपको क्वेश्चन में kg गिवन है तो आप kg राइट करेंगे। नाउ ऐड, 0 में 0 को प्लस किया 0, 7 में 5 को प्लस किया 12, 2, 1 कैरी, 3 में 3 को प्लस किया 6, प्लस 1 कैरी 7। सो स्टूडेंट्स टोटल वेट कितना आया 70 kg, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ट्रक कितना वेट लेकर आता है। सो स्टूडेंट द ट्रक कैरिड 70 kg वेट। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए फेयर प्राइस शॉप देयर वाज 140 kg ऑफ राइस। स्टूडेंट्स, एक फेयर प्राइस शॉप के ऊपर 140 kg राइस है। इफ 95 kg ऑफ राइस वाज सोल्ड, यदि इनमें से 95 kg राइस सोल्ड कर दिए जाते हैं, सोल्ड मीन्स होता है बेच दिए जाते हैं, हाउ मच राइस वाज लेफ्ट नाउ। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है अब शॉप के ऊपर कितने राइस लेफ्ट रह जाते हैं। नाउ स्टेटमेंट इज राइस एट शॉप, शॉप पे टोटल कितने राइस है 140 kg, राइस वॉज सोल्ड, इनमें से कितने राइस बेच दिए जाते हैं 95 kg। नाउ राइस वॉज लेफ्ट, कितने राइस लेफ्ट रह जाते हैं, लेफ्ट पूछा स्टूडेंट्स माइनस करेंगे। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है kg, तो पहले आंसर में भी आपको kg राइट करना है। नाउ जीरो में से फाइव को माइनस किया, माइनस नहीं होगा स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 और 0 हो जाएगा 10। नाउ 10 में से 5 को माइनस किया 5, 3 में से 9 अगेन माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, 1 से 1 हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 13, 13 में से 9 को माइनस किया 4, नाउ 0। सो स्टूडेंट राइस वाज लेफ्ट 45 kg, 45 kg राइस वाज लेफ्ट। दुकान पर कितने स्टूडेंट्स राइस लेफ्ट रह जाते हैं, 45 kg। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजली डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा शर्मा फॉर योर इंग्लिश टीचर फॉर क्लास सेकेंड। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड कम्प्लीट चैप्टर 12 ऑफ वर्ड मीनिंग। टूडे आई विल स्टार्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेप, प्रीति डिसाइडेड टू गिव ए डैश लुक फॉर हर सेल्फ। प्रीति क्या निश्चय करती है कि वह अपने आप में क्या दिखे। फर्स्ट है सिमिलर, सेकंड है डिफरेंट, थर्ड है बेटर, फोर्थ है नन। तो क्या आएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। सेकंड है मदर टोल्ड प्रीति दैट शी इज़ ए डैश चाइल्ड। मदर टोल्ड, मदर प्रीति से कहती है कि सी इज़ ए डैश चाइल्ड, वह कैसी बच्ची है। फर्स्ट है यूनिक, सेकंड है स्पॉइल्ड, सी है मैनर्ड और डी है नन। तो कैसी दिखना चाहती है वो, यूनिक, UNIQUE, यूनिक। थर्ड है प्रीति पेंटेड ए बिग डैश ऑन हर नेक। प्रीति ने अपनी नेक पर क्या पेंट किया हुआ है। ए ऑप्शन इज पिक्चर, बी ऑप्शन इज टैटू, सी ऑप्शन इज बिग पिंक स्पॉट्स, डी ऑप्शन इज नन। तो क्या नेक पे क्या लगाया हुआ उसने अपने, पिंक स्पॉट्स। फोर्थ है वन डे सी वोर ए डैश कॉस्ट्यूम टू स्कूल। एक दिन वह स्कूल में कौन सी कॉस्ट्यूम पहन के आई। ए ऑप्शन इज डर्टी, बी क्लोन, सी फाइन, डी नन। तो क्या कौन सी कॉस्ट्यूम पहन के आई, क्लोन, CLOWN, क्लोन। बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है प्रीति वाज वरिड दैट सी वाज क्वाइट डैश। प्रीति वाज वरिड दैट सी वाज क्वाइट। प्रीति क्या, प्रीति कहती है कि सी वाज क्वाइट डैश, बोरिंग या प्रिटी, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। सेकंड है सी प्योर डैश ऑन हर हेयर। उसने अपने बालों पर कैसा कलर किया हुआ है, रेड इंक या ब्लू इंक। तो कैसा किया हुआ है, ब्लू इंक, BLUE, ब्लू, INK, इंक। थर्ड है सी स्टक डैश इन हर ईयर्स।
उसने अपने कानों पर क्या लगाया हुआ है, ट्विग्स या स्टिकर्स, तो क्या लगाया हुआ है, ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स, टहनियाँ। फोर्थ है, मदर टोल्ड हर दैट नो वन हैज़ डैश आइज एज हर, उसकी माता क्या कहती है कि वह किसकी आइज में सबसे अलग है, ब्लू या ब्राउन, तो क्या आएगा, ब्राउन, BROWN, ब्राउन। सी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, बेटा स्टेटमेंट्स दी हुई है जिसमें ट्रू है वो टी लिखेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। फर्स्ट है, प्रीति वॉज वेरी हैप्पी इन हर स्कूल, प्रीति अपने स्कूल में खुश रहती है, ट्रू, क्या आएगा इसमें, ट्रू। सेकेंड है, सी वॉन्टेड नॉट टू लुक लाइक अदर्स, क्या वह दूसरों की तरह नहीं दिखना चाहती, इसमें क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स का एफ। थर्ड है, हर मदर टोल्ड हर दैट सी वॉज ए स्पेशल चाइल्ड, उसकी माता कहती है कि वह एक विशेष स्पेशल चाइल्ड है, ट्रू। फोर्थ है, प्रीति फाइनली रियलाइज्ड हर इम्पोर्टेंस एंड वॉज हैप्पी, अंत में प्रीति ने यह महसूस किया कि वह कि उसकी इम्पोर्टेंस और उसका उसकी इम्पोर्टेंस है और वह बहुत ही खुश है, तो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू का क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी। दिस एक्सरसाइज राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, लेट वी स्टार्ट, सब्जेक्ट इज SST फॉर क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस लेसन, टुडे वी स्टार्ट डिफिकल्ट वर्ड लेसन 11। फर्स्ट है हमारा अर्ली, ERLY, अर्ली, ERLY, अर्ली। सेकंड नंबर पे हमारा HUNTER, हंटर, HUNTER, हंटर। थर्ड नंबर पे हमारा नोटिस, NOTICE, नोटिस, NOTICE, नोटिस। फोर्थ नंबर पे स्टोन, STONE, स्टोन, STONE, स्टोन। फिफ्थ नंबर पे फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। सिक्स्थ है टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। सेवन नंबर पे ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। एट नंबर पे है कार्ट, CART, कार्ट, CART, कार्ट। नाइन नंबर पे हमारा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। टेन नंबर पे हमारा शेप, SHAPE, शेप, SHAPE, शेप। दोबारा रिपीट करते हैं, अर्ली, ERLY, अर्ली, ERLY बच्चों, अर्ली। सेकंड नंबर पे हमारा हंटर, HUNTER, हंटर, HUNTER, हंटर। थर्ड नंबर पे हमारा नोटिस, NOTICE, नोटिस, NOTICE, नोटिस। फोर्थ नंबर पे है स्टोन, STONE, स्टोन, STONE, स्टोन। फिफ्थ नंबर पे है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। सिक्स नंबर पे है टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। सेवन नंबर पे है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। एट नंबर पे है कार्ट, CART, कार्ट, CART, कार्ट। नाइन नंबर पे फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। टेन नंबर पे है शेप, SHAPE, शेप। Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write in fair notebook. Thank you. Good morning, students. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा दूसरी में मैं करा रही थी आपको पाठ 10, पर्यायवाची शब्द। आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, आगे हमारे पास है शब्द देवता, और इसके पर्यायवाची शब्द होंगे देव, सुर, अमर। धन शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे श्री, द्रव्य, लक्ष्मी। नदी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है सरी, सरिता, तटीनी। नारी, नारी के पर्यायवाची शब्द होंगे स्त्री, अबला, महिला। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे धरा, भूमि, वसुधा। बंदर, बंदर के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे वानर, कपि, मरकट। बिजली, बिजली के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे विद्युत, चपला, तड़ित।
भौरा, भौरा के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे अली, मधुप, मधुकर। और मोर के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे मयूर, केकी, सिखी। युद्ध, युद्ध के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे रण, समर, संग्राम। रात्रि, रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे निशा, राका, रजनी। राक्षस, इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे दैत्य, असुर, निशाचर। एक बार फिर से देखिए, देवता शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हैं देव, असुर, देव, सुर और अमर। धन के लिए श्री, द्रव्य और लक्ष्मी। नदी के पर्यायवाची हैं सरी, सरिता, तटीनी। नारी के पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री, अबला, महिला। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, भूमि, वसुधा। बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं वानर, कपि, मरकट। ऐसे ही बिजली के हैं विद्युत, चपला, तड़ित। भौंरा के पर्यायवाची होंगे अली, मधुप, मधुकर। मोर के पर्यायवाची शब्द होंगे मयूर, केकी, शिखी। युद्ध के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे रण, समर, संग्राम। रात्रि के पर्यायवाची शब्द होंगे निशा, राका, रजनी। राक्षस के लिए पर्यायवाची शब्द हैं दैत्य, असुर और निशाचर। तो बच्चों, ये जो शब्द मैंने आपको कराए हैं देवता से लेकर राक्षस तक, आपको ये शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स वी स्टार्ट। सब्जेक्ट इज साइंस फॉर क्लास सेकेंड। इन प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर फिफ्थ, दैट इज डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट वर्ड चूज करके हमें फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा वी गेट एग्स फ्रॉम डैश। हमें जो एग्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? डक से मिलते हैं या सिप से मिलते हैं? तो वी गेट एग्स फ्रॉम, एग्स कौन देता है? डक देता है। कौन देता है? डक देता है, ना कि शिप। तो यहाँ पे राइट करोगे डक्स, डी यू सी के एस, डक्स, डी यू सी के एस, डक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी काउज एंड बफेलोज गिव अस डैश। जो काउ और बफेलो हैं यानी गाय और भैंसे, वो हमें क्या देती हैं? मिल्क या सिल्क? तो काउ और बफेलो आपको पता है क्या देती हैं? मिल्क। क्या देती हैं? मिल्क। तो यहाँ राइट करोगे मिल्क, एम आई एल के, मिल्क, एम आई एल के, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, डैश एंड डैश आर मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट कौन से हैं इसमें से? चिकन चीज या कर्ड चीज़? तो चिकन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, गोट से। तो चीज़ मिल्क से बनाया जाता है। तो इसमें एक क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, दूसरा मिल्क प्रोडक्ट है। तो हम इनको फिल नहीं करेंगे। कर्ड वो भी हमें कहाँ से बनाया जाता है? दूध से। और चीज़ भी दूध से। तो कर्ड और चीज़ हमारे क्या हैं? मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आप फिल करोगे कर्ड, सी यू आर डी कर्ड, और यहाँ पे चीज़, सी एच डबल ई एस ई चीज़, सी एच डबल ई एस ई चीज़। ओके, कर्ड एंड चीज़ आर मिल्क प्रोडक्ट। कर्ड और चीज़ हमारे क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, डैश हेल्प अस कैरी हैवी लोड। डैश हेल्प अस कैरी हैवी लोड। इनमें से कौन एनिमल हमारे हेल्प करता है?
किस में? हैवी लोड कैरी करने में, भारी जो है भारी सामान उठाने में। कौन कर हेल्प करता है? लॉयन हेल्प करता है? नो, एलिफेंट हेल्प करता है। कौन करता है? एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट हेल्प अस कैरी हैवी लोड, जो एलिफेंट है वो हमारी हेल्प करता है किस में? हैवी लोड ढोने में, भारी जो सामान है या कोई चीज़ है उसको उठाने में एलिफेंट्स हमारी मदद करते हैं। वी कलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, वी कलेक्ट हनी एंड डैश फ्रॉम बी हाइव्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं हनी और वैक्स या लेदर। हनी, एक तो हनी कलेक्ट करते हैं, दूसरा वैक्स कलेक्ट करते हैं या लेदर कलेक्ट करते हैं। तो बी हाइव से हमें वैक्स मिलता है, ना कि लेदर। लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल की स्किन से। तो जो बी हाइव है वो हमें हनी और वैक्स गिवन करती हैं। तो यहाँ पर फिल करोगे वैक्स, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स। वी कलेक्ट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन इन योर फेयर साइंस नोटबुक विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। डेट इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।